सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप देख सकें हमारे नए नए वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पूरे इंडिया में जिस तबलीगी जमात को बदनाम किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कोरोना इन जमात वालों ने फैलाया है, उसके दूसरी तरफ तबलीगी जमात के अमीर हजरत जी मौलाना साद साहब लगातार ये अपील कर रहे हैं कि मेरी अपने तबलीगी जमात के साथियों से दरख्वास्त है कि जो भी हमारे तबलीगी साथी पहले कोरोना पॉजिटिव थे और 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, वो अपना प्लाज्मा देकर उन कोरोना मरीजों की मदद करें जिनकी हालत बेहद नाजुक हो चुकी है। और इसके लिए हमारा हर साथी जो पहले पॉजिटिव था और अब नेगेटिव है अपने आप को पेश करें और आगे आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन करके तबलीगी साथियों ने इसकी पहल भी कर दी है और काफ़ी सुबह से ये खबर आ रही है कि तबलीगी जमात के साथी ये कह रहे हैं कि इंसानों की जान बचाने के लिए हमारे खून का एक एक कतरा आप इस्तेमाल करें और हमारे लिए इससे अच्छी क्या बात होगी कि हमारा खून अल्लाह के बंदों को बचाने में इस्तेमाल। का ये भी कहना है कि हर इंसान अल्लाह का बंदा है, हमारा वतनी भाई है, ये चाहे किसी भी मजहब का हो। और हमारे इस्लाम ने और हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है और हमारी तबलीगी जमात के अमीर हजरत जी मौलाना साद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने हमें ये सिखाया है कि हम जिस भी मुल्क में रहते हैं वहाँ के कानून का मानना और पालन करना हमारी तबलीगी जमात का बुनियादी उसूल है, बुनियादी शर्त है। इसलिए हजरत जी मौलाना साद साहब ने पहले भी ये अपील की थी कि हुकूमत की मदद करें, सारे साथी जो मरकज आए हैं वो ख़ुद को पेश करें, अपना टेस्ट कराएं। और ये भी कहा कि कोई भी हमारा पड़ोसी भूखा ना सोए, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। और ये हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी शिक्षाओं में से एक शिक्षा है। इसी के मुतालिक आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस दिखाए जा रहे हैं और एक न्यूज़पेपर की जो है कटिंग भी आपको दिखाई जा रही है, तो आप जो है देखिए पूरा वीडियो को आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको आगे तक पहुँचाएँ। सबकी हिम्मत बढ़ा दो, वही सही बात है। और वहाँ पर उस फर्स्ट स्टेज में ना डॉक्टरों ने काम के हिसाब से टाइम दिया, टाइम के हिसाब से काम नहीं किया कि भाई इतने टाइम को काम करना, ऐसा नहीं था। ये बहुत अच्छी बात थी। कहाँ से यार? मैं यहीं नागपुर देखा थी। आप कहाँ से? कुर्ला में था? कुर्ला वेस्ट ससुराल कुर्ला में है। आप जो बोले सही बात है और इसकी वजह से ये जो सोच है ना धीरे धीरे बदल जाएंगे। कर्नाटक में आप देखो एक नेता कोई अनाज बात है, हम वन बैंक दे रहा है, वो आटे का ना पूछ के दे रहा है। एक मुस्लिम लेडीज बुरके में नहीं किया, गलत बात है, ये गलत बात। देखो धर्म थोड़ी सिखाता है, धर्म थोड़ी सिखाता है। अजीब बात है, हमें अभी बोलना नहीं, हम तो अभी आपका अब तो ये किधर यूज होने वाला है, किसको मालूम है, किसको जाने वाला है, ये मुस्लिम है कि उसके बाद एक और वीडियो है गुजरात का। हां, लेडीज बुरके में है, वो गांव में जाकर अपने कार से सबको पैसे भी दे रही है। जब हमारे ये मंथ में हम लोग ज़कात निकालते पैसे ये से मालूम हो जाएंगे, तो पैसे भी दे रही है और खाना भी दे रही है, वो ये नहीं देख रही है। नहीं नहीं सही बात, ये लूज हुआ। नहीं 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 नहीं, ये मेरे पहुंच गए, अब ये लूज हुआ ना। हां, वापस जा रहा, अभी आप दिखेगा आपको एक अजीब यानी माहौल क्रिएट हो। नहीं नहीं डॉक्टर, हमको तो हमको जो पहले से जो सिखाया गया है, हम तो ये बहुत ये सोच के बहुत ऊपर है, हम बहुत। मेरा जो ड्राइवर है ना, अभी 5 साल से है मेरे साथ, वो मुस्लिम। अच्छा, टाइम मतलब टाइम, कभी मेरे को लेट नहीं होएगा हॉस्पिटल आने को, ना वापस जाने को, कभी संडे आएगा। अभी भी वो, उसको मैंने लेटर दिया है कि वो डॉक्टर के लिए काम करता है, तो उसके मतलब इलाज उसके घर से तो निकल सकता है ना, जो हो रहा है। तो मैं तो आऊँगा।